ओम शांति। ईर्ष्या की अग्नि में मत जलो, नहीं तो फिर पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। हम में से सभी भाई बहनों का या अधिकांश भाई बहनों का इस ब्राह्मण जीवन में भी और अपने जीवन में बहुत सा समय दूसरों की सफलता को देख करके, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख करके, दूसरों को सुखी और आनंद में देख करके मन ईर्ष्या में जलने लगता है और ना चाहते भी हम उस आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ कामनाएं नहीं रख पाते। हम दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख करके दुखी होने लगते हैं। ये दुख हमें कोई और नहीं देता, लेकिन हमारा ईर्ष्या का संस्कार देता है। इस ईर्ष्या के संस्कार से हम उस समय तो दुखी होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा बहुत सारा समय और हमारी मानसिक शक्तियाँ, हमारी कार्य क्षमता और हमारी आगे बढ़ने की योजनाएं सब मिट्टी में मिल जाती हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ गवाते रहते हैं। सच्चाई तो ये है कि ईर्ष्या हम उसी व्यक्ति से करते हैं जिसको हम अपना नहीं मानते, लेकिन शिव बाबा ने इस ईर्ष्या के संस्कार से मुक्त होने के लिए हम सभी को बहुत सुंदर बात कही है कि सभी हमारे अपने हैं, और जितना जितना हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे या दूसरों को आगे बढ़ा कर के प्रसन्नता और खुशी का अनुभव करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा। परमात्मा से हमें दुआएं मिलेंगी कि हमने सबके लिए अच्छा सोचा है, और उन आत्माओं से भी सूक्ष्म में हमें शुभ भावनाएं मिलेंगी कि हमने उनको प्रोत्साहन दिया है। किसी को गैर मत समझो, जब पूरा विश्व ही अपना परिवार है तो जो भी आगे बढ़ रहा है वो हमारा अपना ही तो है, इसमें ईर्ष्या की कौन सी बात। दूसरा, हम ईर्ष्या तब करते हैं जब हमारे खुद के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और साधनों का अभाव होता है। हमें समझ लेना चाहिए कि हम इस संसार की सबसे बड़ी हस्ती हैं, हम सर्वशक्तिवान परमात्मा की सर्वोच्च रचना हैं। जितना जितना हम अपने जीवन में हीन भावना का अनुभव करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है, इसी बात से ईर्ष्या का जन्म होता है। बल्कि हम ये सोचें कि इस संसार में भगवान ने मुझे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च बनाया है, खुदा मेरा दोस्त है, मैं भगवान का राइट हैंड हूँ, मैं भगवान के साथ कंबाइंड हूँ, इस पूरे विश्व के परिवर्तन के लिए परमात्मा ने मुझे चुना है, इतनी महान स्मृति और इतना महान गौरव मुझे प्राप्त है, ये संकल्प हमें ईर्ष्या से मुक्त कर देगा। हमें अपने आप को याद दिला देना है कि मैं विश्व कल्याणकारी और विश्व सेवाधारी हूँ, और सेवाधारी वही है जो सबको आगे बढ़ाता है। याद रखना, जो वर्तमान के सेवाधारी हैं वही विश्व के भविष्य के राज्य अधिकारी हैं। अगर आपको सबके ऊपर राज्य करना है तो ईर्ष्या छोड़ सबको आगे बढ़ाओ, शुभ भावना रखो।
ओम शांति।